ये हरियाणा में तीसरे नंबर पे था और इसका जो माँ का जो रिकॉर्ड है, इसका जो बाप तो सुल्तान था। अच्छा। और माँ का जो रिकॉर्ड है वो 24.5 किलो दूध का रिकॉर्ड है। एक खबर देखी होगी हमारी जिसमें हमने पढ़ी लिखी सरपंच पूनम शर्मा का इंटरव्यू दिखाया था, तो पूनम शर्मा जहाँ की सरपंच है वही ये गांव है, गांव डी ग्रोता, यहीं पर हम मौजूद हैं। राम राम। ये है मुर्रा नस्ल का जोटा। गांव में पशु संवर्धन के लिए, नस्ल सुधार के लिए जींद जिले के नरवाना तहसील के फुल्ला गांव के ओम प्रकाश सरपंच के घर में पैदा हुआ ये सुल्तान का बेटा, जिसकी माँ 24.5 किलो दूध में और हरियाणा में कुरुक्षेत्र में लगी प्रदर्शनी में इस जोटे का तीसरा स्थान रहा था। तो हरियाणा का चैंपियन जोटा डिग्रोता गांव के पशु संवर्धन के लिए समर्पित है। ऊपर हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं, और उपस्थित हूं अपने महेंद्रगढ़ जिले के गांव डी ग्रोता के अंदर। यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक जो है ना आपको नस्ल का जोटा दिखाई पड़ रहा होगा। ये ग्राम पंचायत जो है डी ग्रोता ये लेकर आई है, इसके बारे में सारी खासियत जो है वो सारी बातें करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद। ये बताएं सर कैसे कहाँ से परचेज किया है और किस प्रकार से रखेंगे इसको यहाँ पे? मुर्रा नस्ल का जोटा है। गांव में भैंसों के दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और मुर्रा नस्ल का जोटा ये लेके आए हैं गांव के सहयोग से। ये जींद जिले के नरवाना तहसील के फुल्ला गांव से। अच्छा। इसकी कीमत 2.5 लाख रुपये कीमत आपने लगी इसकी। अच्छा। और इसकी माँ के 24 किलो 500 ग्राम दूध था। अच्छा। और हरियाणा की जो पशु प्रदर्शनी कुरुक्षेत्र में जो लगी थी उसमें पूरे हरियाणा में ये जोटा तीसरे नंबर पे रहा है। अच्छा। तो आने वाले टाइम में गांव में पशुओं की नस्ल में सुधार होगा, ऐसा पूरा गांव की जो गांव विकास कमेटी के लोग हैं वो इस जोटे को वहाँ से गाँव के लोग खरीद करके ले आए हैं। अच्छा, आपने 2.5 लाख रुपए क्यों दिए, क्या खासियत थी इसमें विशेष? वो ये तीसरे नंबर पे था खास तौर पे, ये हरियाणा में तीसरे नंबर पे था और इसका जो माँ का जो रिकॉर्ड है, इसका जो बाप तो सुल्तान था। अच्छा। और माँ का जो रिकॉर्ड है वो 24.5 किलो दूध का रिकॉर्ड है। ठीक ठीक। वो भी हरियाणा का चैंपियन जोटा था। और इसका हरियाणा में जैसे तीसरा नंबर रहा है तो निश्चित तौर पर नस्ल तो जब भी सुधरेगा, नस्ल तो सुधरेगी। तो गांव में नस्ल सुधार के लिए गांव के लोगों के सहयोग से एक पहल की है जी। एक पहल भी है, अनूठी पहल है। ऐसे दिमाग में आइडियाज कहाँ से आते हैं? यू कि गांव का किसी न किसी रूप में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, और ये सब आइडियाज तो गांव के इन बुजुर्गों का, जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो हर समय 24 घंटे सहयोग करते हैं, तो उनके सहयोग से कि गाँव का विकास किस तरीके से हो, इसीलिए ये जो काम है ये ग्राम विकास कमेटी के माध्यम से, उनके सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से ये काम संभव हुआ है। इसके लिए 24 घंटे एक जो इसका सेवक, एक कर्मचारी इसके ऊपर 24 घंटे के लिए नियुक्त किया गया है जो इसकी सेवा करता है। इसको रोज़ाना 250 ग्राम घी और काली मिर्च और लगभग 10 किलो अनाज की चाट इसको रोज़ाना खिलाई जाती है। बाकी जो भी इसकी खाने पीने में, देख रेख में जो भी सुविधाएँ इसको जरूरत होगी वो सब गांव की तरफ से दी जाएंगी। तो रख रखाव यहीं पर रहेगा या फिर जैसे एक होता है ना छोड़ देते हैं गांव के अंदर? नहीं, ये जोटा बिल्कुल बंदेल के रूप में रखेंगे। वैसे गांव का है, पूरे गांव का है, लेकिन गांव में या खेतों में घूमने के लिए, क्योंकि वो घूमता चारे के लिए है, तो गांव ने मिलकर के पूरे इसकी एक साल के चारे की पहले एडवांस व्यवस्था कर दी है। अच्छा। तो ये जोटा हाँ कर्मचारी इसकी सेवा में रहेगा और परमानेंट यहीं पे रहेगा। तो वैसे इसको घुमाने के लिए गांव में जरूर छोड़ देते हैं। दो दांत कर्मचारी को पैसे वैसे देंगे? दो दांत है जी। अच्छा, दो दांत। उम्र 3 साल। अच्छा, तीन साल। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो ये ले आए, अब गांव में है अब जैसे ये, और गांव का यही कैंडिडेट इसके रख रखाव करेगा, कैसी क्या जिम्मेदारी दी है उसको, मतलब उसको जी देंगे? कमेटी नियुक्त करी। अच्छा, कमेटी यहाँ की देखाबाड़ी करेगी, चरण प्याऊन की सगड़ी तसली करेगी। अच्छा, अपना जो गांव है ये खास तौर पर जिस प्रकार से डिगरोता गांव के अंदर जब सरपंच का चुनाव हुआ, मतलब पूरे हरियाणा भर में, तो यहां पर आपने एक खबर देखी होगी हमारी जिसमें हमने पढ़ी लिखी सरपंच पूनम शर्मा का इंटरव्यू दिखाया था। तो पूनम शर्मा जहां की सरपंच है वही ये गाँव है, गाँव डिगरोता, यहीं पर हम मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो आपके गाँव में पंचायत बनने के बाद अनेकों कार्य हो रहे हैं, खास तौर पर साफ सफाई एक फिरने के जो साइड में थी वो पानी की व्यवस्था होगी सही साफ? पानी की व्यवस्था सही होगी जी, और बढ़ने के बाद हमारे गांव की साफ सफाई भी, जहाँ गंदगी पड़ी हुई थी वो भी, नालियाँ भी साफ हुई हैं, और भी कई एक काम अभी होने बाकी हैं वो भी हो जाएंगे। और गांव में पहले से ही हमने इस झोटे का वो किया था कि भाई अच्छा झोटा लाएंगे, तो बढ़िया नस्ल का झोटा भी है ये, इसकी हाइट 5.5 फुट और लंबाई 10.5 फुट है। अच्छा। इसलिए हमने इतने रुपए का यह झोटा खरीदा, और सुल्तान का बीज है ये। अच्छा। और जींद गांव फुल्ले गांव से, जींद जिला नरवाना तहसील फुल्ले गांव से ये झोटा लिया था हमने जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, हम एक सांड और लाए था वहाँ से, ही नस्ल का ईसाई, हरियाणा का टोप। ठीक ठीक। तो सभी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, सबसे तो बात नहीं हो पाएंगे। राम राम जी। राम राम जी। तो कैसा क्या काम कर रहे हैं सरपंच साहब? सरपंच साहब बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये काम कैसा हो गया? कौन सा? ये झोटे वाला। झोटे वाला तो जी एक नंबर का काम हो रहा है, गांव की जो भैंसों की नस्ल सुधर जाएगी। अच्छा अच्छा। आप गांव के उन्नत पशुपालक हैं? कौन लेके आए? अच्छा, गांव के उन्नत पशुपालक हैं। मैं साथ था जी इसको खरीदवाने के लिए। खजान जी। ठीक। राम राम जी। राम राम जी। तो विकास कार्य चल रहे हैं और फिर विकास कार्य चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं जी, बढ़िया ही काम होएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज आप लोग सारे शास्त्री जी यहाँ इकट्ठे हैं, किस विषय आज लेकर आए, इसीलिए कुछ और भी आने वाला है आज? जैसे गांव की तरफ से इस झोटे को निशान लगाया जाता है, जिसे हम देसी हिसाब से कहते हैं कि दाग लगाया जाता है, तो इसको रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसका जो चिन्ह होता है त्रिशूल का, वो इसके पुट्ठे पे चिन्ह लगा दिया जाता है। उसके बाद गाँव का ये पंचायती झोटा सार्वजनिक झोटा बन जाएगा। हाँ, गाँव का राजा का इसको जैसे दर्जा दिया जाता है। अच्छा। हाँ जी। गाँव के लोग जब जैसे भैंस लेकर आएंगे तो क्या उनको रुपए देना पड़ेगा? ना कोई पैसा नहीं दे रहे, और ना ही कोई पैसा देना पड़ेगा। गांव का सहयोग है, गांव चाहे वो चंदे के रूप में अनाज इकट्ठा करके वो जिस भी रूप में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई फीस नहीं है, ना कोई शुल्क नहीं है इसका। अच्छा, अगर बात करें नजदीकी क्षेत्र से अगर कोई लोग लेकर आए, उस विषय में कुछ प्लान किया अभी तक? अभी तक जो कमेटी का जो फैसला होगा वही है, बाकी हमारी जो भी यहाँ काकड़ के अंदर के जितने भी है, चाहे वो गांव का है बाहर का, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अच्छा, नजदीकी एरिया में जो? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा। हमारा जो उद्देश्य है इस इलाके का, हरियाणा का, जिला महेंद्रगढ़ का, और हमारी स्थानीय क्षेत्र की नस्ल सुधार करने का है। अन्य गांवों के लोगों को भी हमने प्रेरित किया है, वहां भी इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। नज़दीकी गांव गोपालवास में भी एक अच्छी नस्ल का झोटा लाया गया है, ऐसे बाड़ा डालनवास और माधोगढ़ में भी अच्छा प्रयास किया जा रहा है, इसी तरह सुरेती में भी। तो हमारा इस इलाके को मुर्रा इलाका बनाने का विचार है, ताकि अच्छी दुधारू आगे जो प्रोडक्शन आए वो दुधारू वैसे आए। राम राम जी। राम राम। बताओ जी आज के बारे में। बताओ आज के बारे में जी, गांव ने बहुत ही बढ़िया अच्छी पहल की है, ये झोटा ले आकर के, मुर्रा नस्ल का झोटा है, इससे जो है जी दुधारू पशु, इससे बढ़िया नस्ल के बच्चे पैदा होंगे, और ये गांव के विकास के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। तो मुर्रा नस्ल का ये झोटा है, और इसकी रखवाली में ये भाई साहब हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक जी। और आपका? निरंजन कुमार। आप लोग देख रेख में? नहीं, मैं खास तौर पे। हाँ। अच्छा, क्या खिलाते हो इसको? इसको जी बिनोड़ा खड़े और जो गुड़ वगैरह, घी, काली मिर्च, हरा चारा। अच्छा, सारी चीजें खिलाते हो? हाँ जी। तो 250 ग्राम की है? हाँ जी। कितना घी खिलाते हो? 250 ग्राम। 250 ग्राम। हाँ जी। और साफ सफाई व्यवस्था सारी, मतलब ये बिल्कुल? हाँ जी, क्लीन, बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है। हाँ जी। तो ये मतलब जैसे लेके आए वहाँ पर भी ऐसा ही था, अब आपकी जिम्मेदारी बन गई? हाँ जी। तो नहलाते हो यहाँ पर? हाँ जी। खुले में जैसे नहलाने की व्यवस्था है अपने पास? है जी, प्लाट में। प्लाट में गाँव का एक कुआ है, इस पर नहला लो कहीं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ जैसे आप दिन रात इसके साथ मतलब यहाँ रखवाली में रहते हैं? बहुत अच्छी बात। आप भी इसी गांव से? हाँ जी। इससे संबंधित जैसे आप रखवारी करेंगे तो कुछ आपको मेहनताना मिलेगा? मिलेगा जी, मेहनताना मिलेगा। 9000 रुपये। 9000 रुपये मिलेंगे।
तो 9000 रुपये का रोजगार मिल गया अपने आप में, एक अच्छी पहल है। देखिए कितनी अच्छी सोच है यहाँ के जो ग्राम पंचायत और जो यहाँ की जो कमेटी है उसकी, कि एक जो है ना एक डिसीजन से कितने जो है ना काम हो जाएंगे अपने आप में। मुर्रा नस्ल का ये झोटा आने वाले समय के अंदर यहाँ पर जो भैंसें हैं उनके जैसे प्रोडक्शन होगी तो कहीं ना कहीं अच्छे दुधारू पशु रहेंगे आने वाले समय के लिए। साथ में यहाँ पर व्यवस्थित जो काम व्यवस्था जो संभाल रखी है भाई साहब ने संभाल रखी है, इनको रोज़गार भी है और किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अमूमन देखने को मिलता है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो सिर्फ दुग्ध उत्पादन करके ही अपना गुजारा करते हैं, तो हो सकता है पशुपालन में उनको किसी प्रकार की पैसे से संबंधित दिक्कत आ रही हो, तो उस विषय में वो लोग पैसे ना भी दे पाएँ। और यहाँ निःशुल्क है, गांव जो है व्यवस्था करेगा और नज़दीकी इलाके के अंदर से भी अगर कोई आता है तो अभी मतलब यही है कि उनके लिए भी कोई मनाही नहीं है। और नज़दीकी गांव में जैसा कि शास्त्री जी ने बताया कि नज़दीकी गाँव में भी कुछ इस प्रकार की जो है ना पहल की जा रही है, और ये जो पहल है एक अच्छी पहल है। हमारा जो हरियाणा है दूध दही का यहाँ पर खाना है, और दूध दही के खाने के लिए विशेष तौर पर इस तरह की पहल करना और एक अनूठी सी पहल, क्योंकि आम तौर पर प्रयास किए जाते हैं आधुनिकता के तौर पर जो विकास कार्य हैं उनको लेकर, लेकिन यहाँ पर एक पारंपरिक जो हम हमारा कह सकते हैं कि रोज़गार हमारे क्षेत्र के अंदर खास तौर पर कृषि से संबंधित है या फिर पशुपालन से संबंधित है उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सच में ही ये गाँव यहाँ के लोग और साथ में कमेटी और ग्राम पंचायत के सदस्य सभी बधाई के पात्र हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, जागरूक हो सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।